नथिंग इज परमानेंट, कुछ भी परफेक्शन के साथ नहीं होता। वी कांट से कि हर चीज या कोई चीज अभी इस लम्हे में एकदम पूरी होने वाली है। इसका उदाहरण लेते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ, इंडिया पाकिस्तान था, इंडिया ही फेवरेट शुरू हुआ, उम्मीदें भी इंडिया की थी, आखिरी 3 ओवर तक भी इंडिया जीत ही रहा था बट हार गया। अब उसका रीज़न क्या था, जैसे ना मैच शुरू हुआ एशिया कप का ये वाला इंडिया पाकिस्तान, टॉस पे ही पता चल गया था कि इंडिया हार सकता है, बिकॉज वो मैच था चेजिंग वाला। इंडिया ने 180 स्कोर किए हैं बट ज़्यादा बनने चाहिए थे, मोमेंटम अच्छा बना था, रोहित और राहुल ने अच्छे रन मारे बट रोहित पहले आउट हो गया, वहाँ पे भी कंट्रोल करना चाहिए था, अच्छे शॉट खेल सकता था। फिर उसके बाद राहुल आउट हो गया, वो भी अच्छे शॉट खेल सकता था बट आउट हो गया। उसके बाद कोहली और सूर्या थे, सूर्या की गलती है भाई, इतनी अच्छी फॉर्म में है क्यों नहीं रन मारे, आउट हो गया। और उसके बाद पंत है, हिटर है भाई, तू भी आउट हो गया भाई। उसके बाद शायद पांड्या आया या हुडा आया है, पांड्या आउट हो गया, तेरा हुडा आउट हो गया, तुम्हारे हिटर ही नहीं चले, ये गलती नहीं हुई, ये गलतियाँ सीखने वाली तुम्हें कि भाई एक प्लेयर अगर बहुत ही तगड़ा परफॉर्म कर देता, अपने 20 या 30 रन कम थे, 200 रन ही लगा दो ना, लगा दो तो अच्छा प्रेशर बन जाता है, होने को 200 भी चेज हो जाते, 210 भी चेज हो जाते बट लगा तो देते, वो दूसरी बातें थी। ठीक है, बॉलर्स पिच थी ही नहीं, बॉलर्स का कोई लेना देना नहीं था, इंडिया की एक भी विकेट ऐसी नहीं है जो बॉलर ने ली हो या बॉलर अच्छी बॉलिंग की हो, कुछ भी नहीं है। अगर किसी ने स्लो वन भी डाल दी ना तो मैं नहीं कहूँगा कि ये बॉलर ने विकेट ली है, तो पढ़ लेना भाई, नहीं पढ़ पाया तेरी गलती है। सो इंडिया के बैट्समैन कितनी सारी गलती की हैं, विराट कोहली की मैं गलती नहीं मानूंगा, अच्छे रन मार गया भाई, बट तुम्हारा राहुल और शर्मा लंबा खींच सकते थे मैच को, सूर्य यादव सिंपल्स आउट हो गया, पंत आउट हो गया, हार्दिक पांड्या भी चलो ठीक ठाक था, और हुडा रन ज़्यादा मार सकते थे नहीं मारे। अब बॉलिंग की बात है यार, इतनी तकड़ी इंडिया की बॉलिंग है ही नहीं, इसमें ऐसा भी कोई बॉलर था ही नहीं जो बहुत अच्छा कर दे, बट बीच में ना उन्होंने रन मारने शुरू कर दिए, बनने लग गए, फ़खर जमान था, रिजवान खा रहा था इंडिया को, बहुत अच्छा खा रहे थे ये बॉलर्स, तो ऐसे ही थे, माता के माल ही थे कि मिलगी मिलगी, नहीं मिली ना मिली। एंड वाली जब जो कॉन्ट्रोवर्शियल कैच है जो अर्शदीप सिंह ने छोड़ी है, बहुत बड़ा बड़ा लर्निंग का विषय है ये कि ब्रदर आपने कैच छोड़ कैसे दी, सिंपल सी कैच थी। अब इससे भी एक चीज़ सीखने को मिलती है, आप एक नंबर इंसान हो ना, अंधे अल्टीमेट हो, आप फिर भी गलती कर सकते हो, तो गलती के लिए इंसान को तैयार रहना चाहिए और उसके लिए हमेशा ही मेहनत करनी चाहिए कि मैं तलवार हो गया ना, बच्चों वाली हरकतें कर सकता हूँ। बेसिक्स थे, कैच थी, एकदम बॉडी के पास लेता, छूटती भी तो दूसरा चांस मिल जाता है, एकदम आगे ली छोड़ती, बहुत लाइटली ली थी, गलती थी, इसे क्या कहते हैं, लीनियंट कहते हैं, लीनियंट कैच थी। और एंड में फुल टॉस ही दे रहे हैं यार, यॉर्कर ट्राई करोगे आप, फुल टॉस ही गिरी जाती हैं और मैच हार गए। अभी भी अगर आगे का रास्ता देखें तो क्या है, 6, 7, 8, 9 कल चाहिए, 6, 7, 8, 9, 10 को मैच नहीं होगा, 11 को मैच है फिनाले, इंडिया पाकिस्तान फिनाले खेल सकता है अभी भी। इंडिया को श्रीलंका और अफगानिस्तान दोनों को हराना है, ठीक है, पाकिस्तान को भी श्रीलंका अफगानिस्तान दोनों को हराना है, बात खत्म। अगर ये ऐसा हो जाता है इंडिया पाकिस्तान फिर खेलेगा, और संडे के लिए अलग वीडियो बना सकते हैं हम कि भाई अब क्या होने वाला है, बट अभी जो 4 मैच रह गए हैं ना, कल इंडिया का, फिर पाकिस्तान का, फिर इंडिया का, फिर पाकिस्तान का, इंडिया श्रीलंका को भी हराए, इंडिया फिर अफगानिस्तान को भी हराए, और पाकिस्तान श्रीलंका को भी हराए, अफगानिस्तान को भी हराए, ठीक है। पर अगर इंडिया अगर सिर्फ श्रीलंका और अफगानिस्तान को हरा देती है तो इंडिया संडे के फाइनल में कन्फर्म है। होने को तो ये भी हो सकता है पाकिस्तान श्रीलंका और अफगानिस्तान दोनों से हार जाए, होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट मेरी प्रेडिक्शन या इजी प्रेडिक्शन यही रहेगी कि इंडिया दोनों को हरा देगा, पाकिस्तान भी दोनों को हरा देगा, और संडे को 11 सितंबर को इंडिया पाकिस्तान दोबारा फाइनल खेलेंगे। अब इंडिया को अगर श्रीलंका और उसको हराना है अफगानिस्तान को, वैसे तो किसी भी कंडीशन में हरा देगा, फिर भी ईजी जो हराना यही रहेगा कि बॉलिंग ले ले, टॉस जीते और बॉलिंग ले ले, बिकॉज चेज हो जाते हैं, अपने पास बैट्समैन बहुत ज़्यादा हैं और मोमेंटम अच्छा मिल जाता है, गेम सारी मोमेंटम की ही होती है, क्योंकि इंडिया के बॉलर्स और अगर बैट्समैन की बात करें, हम बैट्समैन पे ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं, बॉलर पे नहीं। इंडिया को 1 ओवर 12 रन बनाने को बोलें तो हम बना देंगे, पर इंडिया को बोले अगर 1 ओवर 12 डिफेंड करने हैं, कोई बॉलर नहीं है अच्छा अपने पास, तो ये चीज़ें। अब एशिया कप के बाद इंडिया का सितंबर टूर में कितना बड़ा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया अफ्रीका है, फिर अक्टूबर में वर्ल्ड कप है, तो क्रिकेट के एस्पेक्ट से देखें तो बहुत ही बढ़िया
ऑप्शंस हैं, वो मैचेस हैं, न्यूज़ है, लर्निंग है। जिम्बाब्वे ने भी तो ऑस्ट्रेलिया को हराया, तो मे बी कंसिस्टेंसी इस दौरान लाएंगे और सीखेंगे क्या क्या बड़ी चीज़ें हुई हैं, क्या वो माइन्यूट चीज़ें हैं। और फैंटेसी की तो अब फैंटेसी अब शायद फिर भी जैसे लय में आ रहे हैं, तो फैंटेसी के ऊपर भी काम करेंगे। फैंटेसी फॉर फाइनेंशली फ्री एंड फैंटेसी फॉर इंजॉयमेंट एंड लर्निंग स्किल, एक जो आपकी अच्छी चीज़ है फैंटेसी के अंदर, एनालिसिस, डाटा एनालिटिकल कैलकुलेशंस, परमुटेशंस, कॉम्बिनेशंस एंड प्रडिक्शंस, इन सब में थोड़ा ना थ्रिल लाएंगे, मज़ा लाएंगे। स्किल पे काम करना है, पैसे ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करने हैं। स्टे हैप्पी हेल्दी ब्लेस्ड। गणेश चतुर्थी का भी मौसम चल रहा है, नौ को विसर्जन है, अच्छा जा रहा है, अच्छे दिन है। और गर्मियाँ जा रही हैं, सर्दियाँ आने वाली हैं, मन में प्रभाव पड़ रहा है, बहुत बढ़िया। सो देखते हैं कल के मैच के लिए, इंडिया श्रीलंका। ता-ता।